एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यह एसे उनके एक स्पीच का हिस्सा है जो कि उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में 1948 में दिया था। यह वह दौर था जब इंडिया को फ्रीडम मिल चुकी थी और इंडिया को अपने एक नए लक्ष्य के साथ काम करना था, और वह लक्ष्य क्या होना चाहिए इस पे राजगोपालाचारी बोल रहे थे। अगर हम ये एसे की बात करें तो ये एसे 1300 वर्ड्स में लिखा गया है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, इस एसे में टोटल 7 पैराग्राफ्स हैं और हम लोग इसे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ समझेंगे। तो चलिए सबसे पहला पैराग्राफ देखते हैं। गोपालाचारी कहते हैं कि फ्रीडम हमें निश्चित रूप से एक नया स्टेटस दिया है, हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिए हैं और हमें इस अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें अपना सेल्फिशनेस, लेजीनेस ये सब कुछ छोड़ के हमें काफ़ी डिसिप्लिन होना चाहिए हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति। कहते हैं अगर हमें सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है हमें अपना फुल कैपेसिटी का यूज करना चाहिए। हमें अपने काम को ही धन और सेवा को ही खुशी मान लेनी चाहिए। गोपालाचारी कहते हैं इंडिया में भी सबसे बड़ी क्राइम है आलसपन। यदि हम आलसपन ख़त्म कर दें तो हमारी सारी मुसीबतें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, चाहे कोई एक कांस्टेबल हो या फिर कोई बड़ा ऑफिसर, चाहे वह छोटा एक व्यवसायी हो या फिर बड़ा उद्योगपति, चाहे वह एक आर्टिस्ट हो, किसान हो, चाहे वह मजदूर हो, सभी को अपने कर्तव्य के प्रति सजग होना होगा और देश के कल्याण में अपना भागीदारी निश्चित करनी होगी। राजगोपालाचारी कहते हैं ईमानदारी ही वह मुख्य आधार है जिस पे हमें अडिग रहना होगा यदि हम खतरा से, परेशानी से बचना चाहते हैं तो, और यही आगे बढ़ने का मूलभूत सिद्धांत भी है। सेकंड पैराग्राफ में राजगोपालाचारी कहते हैं कि इंडिया में कोई भी सांप्रदायिक नफरत नहीं है, ऐसा उन्हें लगता है। कोई भी धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से नफरत नहीं करते, लेकिन जो लालच और भय है वह है इकोनॉमिक कंपटीशन में हारने का। और कहते हैं कि इकोनॉमिक कंपटीशन ही ऐसे सोच को जन्म देती है और हमारा स्वार्थ, हमारा पर्सनल एम्बिशंस ऐसे विचारों को जन्म देती है जिससे हमें बचना होगा और हमें अपने मेलजोल और भाईचारे को बचा के रखना होगा। राजगोपालाचारी यूनिवर्सिटी के एजुकेशन को लीडरशिप के ट्रेनिंग का केंद्र बताते हैं और कहते हैं बहुत सारे लोग अपने इस विशेषाधिकार से भागते हैं, लेकिन आपको अपने भाग्य का सम्मान व्यक्त करना चाहिए कि आपको ये अवसर मिला। राजगोपालाचारी कहते हैं चाहे आप आगे चल के किसी भी रास्ते पे चलो, लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कैसे सोचना है, क्या बोलना है और कैसे व्यवहार करना है। वो बताते हैं कि किसी भी देश का सीमा का रक्षा करना उसके फोर्सेस पे डिपेंड होता है, लेकिन आप लोग यानी कि स्टूडेंट्स मॉरल और कल्चरल आर्मी होते हैं। कहते हैं आज के यूथ ही कल के सिटीजन हैं और आप लोगों को ही इंडिया के हर एक्टिविटीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना है। फोर्थ पैराग्राफ में राजगोपालाचारी कहते हैं कि एग्जामिनेशंस के प्रति स्ट्रेस कम होना चाहिए और स्टडीज़ के क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। वो कहते हैं अगर किसी भी फील्ड में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स बेटर कर रहे हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट से, तो वो इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पर एग्जामिनेशंस टाइट लिए जाते हैं, बल्कि इसलिए कि वहाँ के स्टूडेंट वो करते हैं जो उन्हें करना पसंद होता है और उन्हें स्टडी और रिसर्च के लिए बेहतर फैसिलिटीज मिलती हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स बेहतर कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एप्टीट्यूड और नॉलेज को रेलिवेंट माना जाता है, ना कि एम्प्लॉयमेंट और कैरियर को। वो बताते हैं कि इंडिया कई धर्म और भाषाओं की धरती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है एजुकेशन को डिसाइड करने में कि किस टाइप की शिक्षा हमें देनी चाहिए। लेकिन वो बताते हैं कि यहाँ के बच्चों को एक से ज़्यादा भाषा हमें सिखानी चाहिए और हमें उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग से ज़्यादा स्पिरिचुअल ट्रेनिंग देने पे ध्यान देना चाहिए।
वो कहते हैं राइटिंग, रीडिंग, कैलकुलेशन ये सब ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे धर्म का रिस्पेक्ट करना भी उन्हें सिखाना चाहिए। राजगोपालाचारी कहते हैं कि स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स अपने मदर टंग में सीखनी चाहिए। अक्सर पेरेंट्स के द्वारा इंग्लिश मीडियम को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन वो लोग जल्द ही समझेंगे कि मदर टंग में किसी भी सब्जेक्ट को सीखना कितना बेनिफिशियल होता है। कहते हैं कि कुछ जगहों पे एक से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, वैसे सिचुएशंस में स्कूल में दो पैरेलल सेक्शंस बनाने चाहिए, वहाँ पे सेम सब्जेक्ट्स दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में पढ़ाई होनी चाहिए। और ये ऐसे समाप्त होती है उनके कुछ सजेशंस से। वो स्टूडेंट्स से कहते हैं हमें हमेशा धैर्यवान होना चाहिए, दूसरों के प्रति मेहरबान होना चाहिए, हमें कभी भी जलन जैसी भावनाओं में नहीं आनी चाहिए, कभी भी गलत पे आनंदित मत होना, हमेशा सही पे प्रसन्न होना, और हमेशा कोशिश करना कि मिसफॉर्चून से बहादुरी के साथ लड़ो, और दूसरों में विश्वास बनाए रखना और प्यार बनाए रखना, जो कि महान लोगों के द्वारा कही गई है, जैसे कि सेंट पॉल, गांधी जी। इसी के साथ हमारा ये ऐसे समाप्त होती है, और अगर आपको ये ऐसे पूरा पढ़ना हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।